हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और घर पे होंगे, सेफ होंगे। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि अपने इंस्टाग्राम रील्स पे आप कैसे फ्रंट टेक्स्ट लगाकर अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं, वो भी किसी बिना किसी एप्लीकेशन के, वो भी यूज़ करके इंस्टाग्राम पे ही। तो आपने बहुत सारा मतलब कि वीडियोस ऐसा देखा होगा जैसे कि बहुत सारे यूज़र लोग से अपना इंस्टाग्राम रील्स पे टैक्स लगाते हैं, जो जैसे कि जो वॉइस करते हैं उस पे ही टैक्स लगाते हैं, वो किसी एप्लीकेशन से नहीं लगाते, वो इंस्टाग्राम से ही लगाते हैं। तो वो कैसे लगता है टैक्स, वो मेरे वीडियो को देखिए पूरा एंड तक, तो आपको पता चल जाएगा वो टैक्स कैसे लगता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ, तो शुरू करते हैं वीडियो को। सो दोस्तों, आपको आ जाना है अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। मोबाइल स्क्रीन की तरफ आने के बाद आपको इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देख सकते हैं ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। अभी तक आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम को जल्दी से मेरे को फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देखिए मेरा यूजर आईडी स्मार्टी दीवराज है, तो जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा। आपको जो सा भी कुछ कहीं भी दिक्कत होता है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। तो आपको सिंपली प्लस आइकन में जाना है और यहाँ पर रील्स में आपको टैप करना है। जो सा भी आपको वीडियो एडिट करना है तो यहाँ पर सिंपली मैं एक वीडियो चूज़ कर लूँगा जिसको मुझे एडिट करना है। जैसे कि ये वीडियो है, ये वीडियो को नहीं एडिट करता मैं, ये वीडियो को एडिट करके दिखाता हूँ आपको कि मैं जो बोला हूँ वो टेक्स्ट एडिट कैसे होगा इंस्टाग्राम से ही विदाउट किसी एप्लीकेशन से। तो आपको सिंपली गाइज मैं अपना वीडियो ऐड कर लिया हूँ। ऐड करने के बाद आपको प्रोसेसिंग लेगा कुछ देर। प्रोसेसिंग लेने के बाद आपको फिर से खुलेगा आपका वीडियो। प्रोसेसिंग लेने के बाद आप देख सकते हैं मेरा वीडियो प्रोसेसिंग ले रहा है, तो यहाँ प्रोसेसिंग ले चुका है। आपको यहाँ पर नेक्स्ट टैप करना है। नेक्स्ट टैप करने के बाद आपका वीडियो ऐसे खुल जाएगा और ऐसे खुलने के बाद आपको ऊपर दिख रहा होगा AA का आइकन, AA के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कोई सा भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि मैं बोला हूँ फर्स्ट जो बोला हूँ लाइन, वो मैं यहाँ पर लिख के आपको दिखला देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वो लाइन, तो आप देखिए वीडियो को और कैसे कैसे एडिट होता है वो भी देखिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि पूरा स्टेप बाई स्टेप कैसे एडिट होता है पूरा वीडियो, फ्रंट टेक्स्ट कैसे एडिट किया जाता है। ये देखिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ और लिखने के बाद यहाँ पर आप ये टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं फ्रंट को। ये देखिए आपको यहाँ पर बहुत सारा फ्रंट मिल जाएगा चेंज करने के लिए और ऊपर में आपको इफ़ेक्ट मिल जाएगा। जैसा भी आपको इफेक्ट अच्छा लगे वो आप अपने टेक्स्ट में लगा के वीडियो को एडिट कर सकते हो। जैसे कि गाइस ये ऐसे हो जा रहा है इफेक्ट। सो गाइस यहाँ पर मैं एक फ्रंट चूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि ये आपको मेरे को जैसा जो भी अच्छा लगेगा वो मैं चूज़ कर लेता हूँ। चूज़ करके आपको दिखला देता हूँ, जैसे कि मेरे को ये अच्छा लगा तो मैं इसी में आपको दिखला देता हूँ। डन करता हूँ। डन करने के बाद यहाँ पर मैं इसको सेट कर देता हूँ जैसे कि आपको जो अच्छा लगे। और ये जो नीचे वाला ड्रैग करने वाला लाइन है, आप जहाँ तक वो वाला लाइन बोले होंगे उसको वहाँ तक ड्रैग करके सेट कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर तक हम लाइन बोले हैं तो यहाँ पर हम ड्रैग करके सेट करके चेक कर लिए। तो ये वाला गाइस ये वाला हो गया सेट। यहाँ पर फिर से आपको ऐड ऊपर में जाना है। ऊपर में आइकन के जाने के बाद फिर से आपको सेकंड लाइन लिखना। सेकंड लाइन लिखने के बाद जैसे कि आप फर्स्ट लाइन ऐड किए थे वैसे ही सिंपली आपको फिर से वो ऐड करके वही लाइन के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो वही लाइन के ऊपर फिर से आपको एडिट कर देना। फिर नीचे में आना, आपको नीचे में आने के बाद यहाँ पर डन कर देते। डन करने के बाद ये जो मैं वर्ड बोला हूँ उसको ड्रैग करके आप जैसे भी जो वॉइस बोले होंगे वहाँ पर ये सेटिंग कर देना है। ये सेटिंग करने के बाद वो मेरा सेट हो जाएगा। तो ये भी मेरा लाइन कंप्लीट हो गया। फिर से मैं ऐड पर जाऊंगा और मैं थर्ड लाइन लिखूंगा जो मैं बोला हूँ। तो मैं थर्ड लाइन लिखता हूँ। लिख के आपको फिर से सिंपली उसको जैसे कि आप पहले जो दो लाइन एडिट किए वैसे ही ये तीसरा लाइन भी फिर से एडिट कर देना है। सेम प्रोसेस है गाइस। यहाँ पर आप फ्रंट चेंज भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, आपको जो इफेक्ट देना है वो भी दे सकते हैं। तो ये मैं थर्ड लाइन लिख दिया हूँ और थर्ड लाइन लिखने के बाद फिर से मैं वैसा ही जैसे कि सेटिंग किया हूँ वैसा ही फिर से मैं कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पर मेरा वीडियो हो गया पूरा एडिट। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पर टिक पे क्लिक करूँगा। टिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा हो गया सेव। तो प्रोसेसिंग लेगा, यहाँ पर मेरा सेव हो गया। यहाँ से आप डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हो। मैं इसको ड्राफ्ट में कर देता हूँ। ड्राफ्ट में करके आपको चेक करके दिखलाता हूँ वीडियो को कैसा बना, एडिट हुआ मेरा वीडियो। गलतियों की माफी होती है, किसी के साथ गलत करने की नहीं। तो दोस्तों वीडियो एडिट हो चुका है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। सो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छा के साथ साथ आपको पता चल भी गया होगा कि ये टेक्स्ट कैसे लगता है इंस्टाग्राम रील्स पे, टेक्स्ट कैसे लगता है, आप कैसे वीडियो को एडिट करके कैसे वीडियो को अपलोड कर सकते हो और कैसे क्रिएटिव बना सकते हो।
आप टेस्ट के तरह बहुत बहुत सारा इमोजी भी मतलब कि इमोजी भी ऐड करके बहुत सारा बहुत अच्छे से अपने वीडियो को क्रिएटिव बना करके अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद आपका होगा वीडियो वायरल और आपको मिलेगा फॉलोअर्स और लाइक। तो चलिए ऐसे ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तत्व के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।